हेलो फ्रेंड्स, दाल मखनी बनाने की रेसिपी। उसके लिए आपको सबसे पहले काली उड़द की दाल, राजमा दोनों को 3 घंटे के लिए भिगो के रखना है। उसके बाद एक कुकर में पानी डालें, उसमें तमालपत्र, इलायची, लौंग और हल्दी और थोड़ा नमक डाल के उसके बाद उसमें काली दाल और राजमा डाल के उसको 4-5 सीटी लगा दीजिए। उसके बाद ओनियन को अच्छे से काट लीजिएगा, अदरक लहसुन की पेस्ट, टमाटर की ग्रेवी और बाद में एक कढ़ाई में तेल रख दीजिए, उसमें थोड़ा घी भी डालिए। तेल और घी दोनों मिक्स कर दीजिएगा, वो दोनों अच्छे से गर्म हो जाए। उसके बाद उसमें ओनियन जो काट के रखा है आपने वो डालिएगा। ओनियन अच्छी तरह से उसको पिंकिश कलर का थोड़ा हो जाए तब तक उसको अच्छे से भून लीजिएगा। उसके बाद उसमें अदरक लहसुन और मीठी लिमड़ी के पत्ते डालिएगा, उसको अच्छे से पका लीजिएगा। उसके बाद उसमें जो टमाटर की ग्रेवी आपने बनाई है वो डालिएगा और थोड़ा नमक भी डालते रहना, मतलब स्वाद के अनुसार आप नमक डाल सकते हो। अच्छे से तेल मतलब छूटना चाहिए टमाटर की प्यूरी डालने के बाद, उसको अच्छे से फ्राई करिएगा। पानी पूरा मतलब जल जाना चाहिए, तवे से वो पूरा ग्रेवी अलग हो और तेल आ जाए साइड पर, वो वहाँ तक आप उसको पकाइए। 1 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच लाल मिर्ची और 2 चम्मच धनिया पाउडर, 1/2 चम्मच गरम मसाला अगर आप यूज़ करते हैं तो डाल दीजिएगा। और ये मैंने पूरा इंग्रेडिएंट्स अपने जो राजमा और दाल है उसके अनुसार ही मैंने उसका माप लिया है। ज़रूरी नहीं है कि 2 कप राजमा और 1 कप दाल लिया तो हमें 2 ही टमाटर डालना है या 1 ही ओनियन डालना है, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। ग्रेवी में आप जितना चाहो आप टमाटर और ओनियन यूज़ कर सकते हो, मतलब जितना ज़्यादा अच्छी ग्रेवी होगी उतना दाल मखनी अच्छी बनेगी। अभी इसके अंदर आप कसूरी मेथी डालिएगा और चपटी वो अदरक का पाउडर आता है ना, मतलब सूंठ पाउडर आता है ना, वो डालिएगा और थोड़ा बटर भी डालिएगा तो अच्छी उसकी स्मेल और खुशबू आएगी। और उसके बाद अच्छे से उसको धनिया डाल के रेडी कर दीजिएगा डेकोरेट करके।